या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रावां अंदर बैठा होया, हर नबी मेरे और तुहाडे नबी दा जिक्र करदा रहा, बस जनाब दे सामने एक होर गल करके इजाजत लेनी है, बस आखरी बात करना चाहना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र मुबारक है, 25 साल तो 2-3 माह घटे। मेरे नबी ने अजे ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया, और हजरत खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपने ना अपने एक नौकर नु फरमाया, गुलाम नु आख्या, ओदा नाम है मैसरा, आपने फरमाया जा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला नु बुला के लेके आ। जदों मेरे नबी आए ना, हजरत खतीजतुल कुबरा कह रही ने, असा सुने है तुसी सादक भी हो, तुसी अमीन भी हो। हौली हौली आखो सुभान अल्लाह, तुसी सादक भी हो ते तुसी अमीन भी हो। मैं कहना कुर्बान जाइए अपने नबी दी शान से, अजे ऐलाने नबूवत नहीं फरमाया और हर पासे डंका बज गया कि मुहम्मद वर्गा सुच्चा भी कोई नहीं, मुहम्मद वर्गा उच्चा भी कोई नहीं, ए हर पासे डंका बज गया। अच्छा मेरे नबी ने फरमाया ठीक है बीबी, तुसी मेरा माल लेके मंडी जाओ। आपने फरमाया ठीक है, जड़ा मुनाफा होगा अद्दो अद कर लांगे। जो टुरन लगे ना, बीबी ने समझ आ रही अपने नौकर की ड्यूटी लगाई, ओ ना मैसरा, आपने फरमाया मैसरा तू मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे नाल जाना, 10 दिन ते 10 रातां दा सफर है, वापसी ते आके ना मुहम्मद दा ऐब बयान करना है। की बयान करना है जी? ऐब बयान, खूबी नहीं बयान करनी, खामी बयान करनी है, अच्छाई नहीं बुराई बयान करनी है, जिहड़ा करैक्टर दे उत्ते दाग है ना वह बयान करना है। मैसरां दा बीबी मैनू की मिलेगा? बीबी फरमांदियां ने तेरी तनख्वाह डबल हो जाएगी, नौकरी तेरी पक्की हो जाएगी, तनख्वाह तेरी डबल। जदों 10 दिन ते 10 रातां दा सफर मुका के वापस आए ना, हजरत खतीजतुल कुबरा ने ना इंज करके पर्दा लगाया। की लगाया? माशाल्लाह पर्दा लगाया, ते सामने विच मैसरां नूं अग्गे आप बह गई, उलमा बैठे ने, मैनू समझ नहीं आई खतीजा ने पर्दा क्यों लगाया। भाई मैनू तो समझ नहीं आई, अजे परदे दी आयतां नाजल नहीं हुई, खतीजा पर्दा लगा के बैठी है, अजे कुरान का नजूल नहीं होया, खतीजा पर्दा लगा के बैठी है, अजे मेरे नबी दे निकाह अंदर नहीं आई, खतीजा पर्दा लगा के बैठी है, अजे शरीयत नाजल नहीं हुई, खतीजा पर्दा लगा के बैठी है। मैं अपने उस्तादा को पूछा, उस्ताद जी वजह की है? आपने बड़ा सोहना जहा जवाब इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा ते ईमान है, वो जेड़ी नबी बीवियां हो शरीयत तो पहले भी शरीयत दियां पाबंद होंदियां ने, वो शरीयत तो पहले भी शरीयत दियां उची पाबंद। अच्छा ऐ बयान कर हुण एक काफर की जुबान विचों अपने नबी की शान सुन। मुंह ते निकाब उठ, अपना मुंह ते निकाब करके भावे सुभान अल्लाह आखो, पर आखो जरूर तुसी तेंज बैठे जिवें तुहानू कोई अमानता रख गया, थोड़ी देर बाद आएगा चुक के लै जाएगा। मुहब्बत नाल बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा बीबी नूं आंदा मैसर आंदा, बीबी सुन मैं नबी पाक दी गल सुनावा। अंदर रस्ते अंदर जदों असीं चले ना, रस्ते अंदर मैनू प्यास ने बड़ा तड़पाया, मैं सरकारां दी बारगाह दे अंदर अर्ज कीती, हजूर मैनू प्यास ने बड़ा ही तड़पाया है, प्यास ने बड़ा ही तड़पाया। मेरे नबी ने फरमाया मैसरा इथे को कुआं तलाश कर, को चश्मा तलाश कर। अजीजा ने ग्रामी हजरत मैसरा बयान कर दे, बीबी जदों मैं जाके कुआं तलाश कीता है, हुण खूह दा पानी कोड़ा नाले खूह दा पानी गरम है। आंदा बीबी इस आशमी शहजादे ने खूह दे अंदर अपना लोहा बेदहन सुटिया, खूह दा पानी शहद नालों मिठा हो गया, बर्फ नालों ठंडा हो गया है।
खूह का पानी शहद नालों मिठा ते बर्फ नालों ठंडा हो गया। नतीजा तुल कुफरा बयान कर दिया ने मैं सरा तेन प्याखे ऐ बयान कर तू तो ओदिया शाना बयान करी जाना है तू तो ओदे मरतबे बयान करी जाना है। आंदा बीबी गलती हो गई है एक बारी माफी दे दे हुण मैं मुहम्मद दा ऐब ही बयान करांगा। आंदा जदों असीं अगे चले रस्ते अंदर मैनू भुख ने बड़ा तड़पाया मैं अपनी सरकारां दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ कीती सोणिया मैनू ते भुख बड़ी लगी हुई है। मेरे नबी ने फरमाया मैं सरा इत्थे कोई तना तलाश कर खजूरां दा बूटा तलाश कर इत्थे कोई खतना तलाश कर। आंदा बीबी जब मैं खजूरां दा बूटा देखिया खजूरां दा बूटा ते सड़िया होया है खजूरां दा बूटा ते झुलसिया होया है। आंदा बीबी इस आशमी शहजादे ने जाके अपना दस्ते पाक जदों तने दे उत्ते फेरिया वो खजूरां दा बूटा हरा ते भरा हो गया। नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी। खजूरां दा बूटा हरा ते बड़ा हो गया। बीबी चाहिदा ते सी असी खजूरां तोड़ के खांदे। हां मैसरा आप अर्ज करदे ने गल इस तो अगली ताज्जुब वाली है खजूरां तोड़नियां पईयां ही नहीं। जेड़े पांच सत बंदे समझ गए हो खजूरां तोड़नियां पईयां ही नहीं। आपने फरमाया की होया आंदा बीबी खजूरां दे बूटे ने ना सानू इंज खजूरां पेश कीतियां जिवें कि शरीफ मेजबान अपने मेहमान नू खाना पेश करदा है अपने मेहमान नू खाना पेश करदा है। बीबी कहंदी है पागल तो नहीं हो गया तेनू आखिया ऐ बयान कर ते तू ओदियां शाना बयान करी जाना। अच्छा हाथ बन्ने मैसरा ने आंदा बीबी एक बारी माफी दे दे हुण मैं ओदा ऐब ही बयान करांगा। सीडी लैके वेख्या जे फिर मेरी मेहनत का पता लगेगा मैं कितनी मेहनत की होर तुहानू पता नहीं लगता पिया तुसी सुते हो आराम फरमा रहे हो फिर इंशाल्लाह तुसी जदों टीवी चला के वेखोगे ना तुहानू पता लगेगा कि इस बंदे ने गल्लां कित्थों कीतियां ने। अजे भी मठी है सुभान अल्लाह अजीजा निगरानी मैसरा ने हाथ बन्ने आंदा बीबी जी मेरे को गलती हो गई है एक बारी माफी दे दे हुण मैं मुहम्मद ऐ बयान करांगा। आंदा जदों असीं मंडी अंदर चले गए जाके मंडी च माल रखिया अगे मंडी खत्म हो गई लोकी अपने अपने घरां नूं जांदे पए ने मैनूं बड़ा डर लग्या माल दिखना कोई नहीं अज असीं मंडी अंदर लेट हो गए। आंदा बीबी मंडी विच पहुंचण दी देर असां जदों मंडी च माल रखिया बीबी लोकी थोड़े थोड़े आए लोकी ते थोड़े थोड़े आए आंदा बीबी माल वल कोई नहीं वेंदा सारे ही सरकार वल वेंदे ने। माल वल कोई वेंदा माल वल कोई भी वेंदा सारे सोनी सरकार वल वेंदे। बीबी कहंदी है तेनू आख्या ऐ बयान कर तू ओदियां सिफता बयान कर। आंदा हुण मैसरा खड़ा हो गया आंदा बीबी नौकर रखना ही ते रख नहीं रखना ते ना रख मैं ते विक चुके हां मैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था आका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मैं ते देख चुके हां नौकर रखना ही ते रख नहीं रखना ते मैसरा बोल के कहंदा है मेरी सारी तकरीर एक पासे जुमला मेरा एक पासे। आंदा बीबी नौकर रखना ही ते रख ले नहीं रखना ते ना रख तनखा देनी है ते दे दे नहीं देनी ते ना दे ओ मैं ओदा ऐब बयान किवें करां जिन्नू रब्बे कायनात ने बनाई ते ऐब ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਬੇਐਬ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ
मेनू ते कहना पै गया अल्लाह दे के जमाल आकान सारे जग तो हुसीन बना छड़िया अल्लाह दे के जमाल आकान अल्लाह जड़ा जड़ा पढ़ सकता है पढ़ ले अल्लाह दे के जमाल आकान सारे जग तो हुसीन बना छड़िया जावां सदके ने हुस्ने आका तो वो जिस शम्स कमर शर्मा छड़िया शम्स कमर शर्मा छड़िया जेड़ी बुलियां ने मेरी जनाब दिया वो जेड़ी बुलियां ने मेरी जनाब दिया वो जीवे पत्तियां ने सुरख गुलाब दिया जेड़ी बुलियां ने मेरी जनाब दिया वो जीवे पत्तियां ने सुरख गुलाब दिया सोने बुलियां खोलियां जिस वेले सोने बुलियां खोलियां जिस वेले हर पासे ही चानण ला छड़िया सुभान अल्लाह ऐ मेरे आका दी शान है ऐ मेरे आका दी ते जिन्हें साडे उते इन्ने करम कीते इन्नियां रहमतां कीतियां ओदा फिर सानू मिलाद भी मनाना चाहिए है ना ओदा मिलाद सानू मनाना ताई ते फिर मैं सारे नाल मिल के पढ़ना चाहना मेरी तकरीर दा आखरी शेर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया मत टाइम सारे मिल के आखना तेरा खावा मैं तेरे वो सुनियो नाना इंज नहीं पढ़ना बड़ी मुहब्बत नाल पढ़ना है वो लंगर ते लापी जाने अगर महफिल बड़ा के बैठे लंगर ते सानू मिली जाने बल्कि मैं ते कह देना चाहना वो बंदा महफिले मिला दे मुस्तफा बच आ जाए वो जो तो लंगर खांद वो ते पेट की भुख दूर हो जाती है जो जिक्र मुस्तफा बच बोलता है अंदा जिंदगी दे दुख दूर फरमा देता है मिलके पावा खड़िया करके सामने गुंबद खजरा का नक्शा लिया के अखा बंद करके आज मेरे नबी दी नात पढ़नी है ते मिलके आखना तेरा खावा मैं तेरे की ठिकावा यार जिन्ना दे बाजू तंदरुस्त ने अपने बाजू नू चुको मेरे नबी दी मिलके नाथ भरो ते मूवी बनती पई है जदों सीढ़ी लैके घर अंदर जाइए अपने बच्चियां दे विच लगा के आखिए बेटा ओ वेख मैं बह के नबी दी नाथ पिया पढ़ना ओ वेख फलानी नुक्कर विच बह के मैं आका दियां नातां पिया पढ़ना अगर इस मूवी विच ना आओ करो जड़ी उत्ते पई पड़ती है अल्लाह करे ओदे विच आ जाइए मिलके पढ़ो तेरा खावा मैं तेरे की ठिकावा यार रसूल अल्लाह तेरा मेला तू मैं क्यों मनावाया रसूल अल्लाह तेरा मीला तुम्हें क्यों ना हली मांगर कदी देखे कदी सरकार बल देखे मैं केड़ी से तेरे सजावाया बस भाई मेरी तकरीर खत्म हो गई मैनू हुक्म फरमाया जनाब ने पहले पर्ची दी एक सीधे पाक दी मौला अली दे हुण दोबारा कान च कह रहे ने कद्दूशी वाला वाकया एक एक कम कर लो जड़ा करना है कसीदा ही ठीक है
ठीक है, मेरी भी जल्दी जान छुट जाएगी। कसीदा ठीक है ना, सारे फिर इतनी मुहब्बत नाल दरूद पढ़ो कि मेरे नबी अपनी मजारे पाक अंदर समात फरमा। उची पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, ओए उच्ची पढ़ना कसीदा हक दे वली, मिल के लगाओ सारे जवाब देना मर्जी नाल बोलना है। मैं मसला समाप्त करो पहले। एक दिन ना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही ताला अलैह बहुत बड़े वली ने, तिना बादशाहियां ना चीफ जस्टिस रहे। आपने एक दिन अपने मुरीदां नाल ना गल्लां बातां कर रहे, आपने फरमाया एक दिन ना आसमाना ते जलजला तारी हो गया। फरिश्ते अर्ज की थी, याल्ला क्यामत आ गई है। आवाजे कुदरत आंदी है क्यामत नहीं आई, वो जमीन ती अली पाक ने नारा मारे आए। हुण नारा मारो जी, जो तुम कोई 10-15 मिनट पहले बोल पैंते थे अखीर हो जाती है। मैं इसे परेशानी अंदर तकरीर नहीं कर सकिया। पता नहीं बंदे की मंगते ने, इन्हों नू पता नहीं की चाहिए। मैं ते कुरान सुना रहा ते ये पता नहीं की लैन वास्ते बैठे ने। उदों दे तुसी बोलते होंगे ना, हुण नू पता नहीं इत्थे की हो जाता। उच्ची आख सुभान अल्लाह। पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, मिल के लगाओ सारे लगाओ नारा अली का। पढ़ना कसीदा हक दे जहरा द शोहर पीरा द पीरे, मैं क्या दसावा केटा अमीर, क्योंकि अली नाल बुग्ज रखे एवें तू नकम्मे आ, अली नाल बुग्ज रखे एवें तू नकम्मे आ, उथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मे आ। अली अली कहण वाले बू अली बन जांदे ने, अली अली कहण वाले बू अली बन जांदे ने, तू वली ना बने ते मैं झूठा अंबर हशर दे विच ले नामे अली, उते खून तो दोज़ख न डरे ते मैं झूठा जहरा द शोहर पीरा द पीरे, मैं क्या दसावा केटा अमीर, तहत सरा तो अर्श ते उला ताई, तहत सरा तो अर्श उला ताई, सारे दसारा सारे नकबा अली दा नारा हैदरी। पढ़ना कसीदा नहीं पढ़िया तुसा, अजे ते तुसा नहीं पढ़िया। उच्ची पढ़ना कसीदा
हक दे वली दा पढ़ना एक आम पाले एक खास बाले उजड़ा खास बाले जहरा दलाल एक आम बाले एक खास बाले उजड़ा खास बाले जहरा दलाल क्यों न सोज बिच न साज बिच न सोज बिच न साज बिच मजाज ओदी नमाज बिच आए आए न सोज बिच न साज बिच मजाज ओदी नमाज बिच हुसैन दसिया रजा खुदा दे हुसैन दसिया रजा खुदा दे ना नींद बिच ना नियाज बिच सलाम फेर तो बाद नासर नमाज हुंदी है सब दी पूरे हुसैन सजदे च सर कटाया हुसैन अज भी नमाज बिच दारैन का सुल्तान तवज्जो है ना दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है एक फूल तम कुरान हुसैन इब्ने अली है माना के मुसलमान की पहचान है कलमा कलमे की भी पहचान है हुसैन इब्ने अली है एक आम बाले एक खास बाले ओ जेड़ा खास बाले सहरा दलाले नाने दे दीन तो गर्दन कटाई नाने दे दीन तो गर्दन कटाई केदा अजीम केदा अजीम ओ कुनबा अली का पढ़ना कसीदा हक दे वली दा पढ़ना झुकिया मैं दर ते पढ़ के सवाली इज्जत मिली ये जग तो निराली झुकिया मैं दर ते पढ़ के सवाले इज्जत मिली ये जग तो निराली तयों लोग मीर को आंदे कलंदर तयों लोग मीर को आंदे कलंदर सग हां मगर मैं सग हां मगर मैं अली दी गली दा पढ़ना कसीदा नारा हैदरी दोस्तों मैं अपना सा सजाइया ने बड़ा खर्चा करने हैं सारा कुछ करने हैं लेकिन सानू ए महफला सबक ही देंदियां ने असी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जिवें मुहब्बत करने हैं जिवें असी अपने नबी दी जात नू मनने हैं ना इवें सानू अपने नबी दी बात भी मननी चाहिए अलहमदुल्ला जिदन का रबीउल अव्वल शरीफ चढ़िया हर पासे महफलां हर पासे नबी दे नारे वजदे ने वे एक नौजवान नारा मारदा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है मेरे नौजवान भाईया तेनू दाड़ी ते कबूल नहीं तेनू मौत किवें कबूल हो सकती है तेनू पांच टाइम की नमाज ते कबूल नहीं तेनू मौत किवें कबूल हो सकती है तेनू वालिदैन की ताबेदारी ते कबूल नहीं मौत किवें कबूल हो सकती है ओए गुलामी रसूल अंदर मौत भी ओदी कबूल है जिहड़ा नबी दियां सुनतां ते भी अमल करदा है
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਬ ਹੈ? ਇਹ ਅਦਬ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਹਕਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਈਏ, ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੀਏ, ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ, ਚੁਗਲਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਗੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਸੂਦ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਵਾਲੀਮਨ ਖਾਫਾ ਮਕਾਮ ਰੱਬੀ ਹੀ ਜੰਨਤਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਜੀ? ਦੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਮਾਂ ਹਾਸਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਵਾਂਗਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤਸਨੀਆ ਦਾ ਜੰਨਤਾਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਦੋ ਜੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਨੀ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਬਾਕੀ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਲਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਕਾਮਰਾਨੀਆਂ ਅਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾ ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ।